हर्ता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा। मैं बाहर जाने के स्थान पे ये कहां पहुंच गया? कहां जा रहे हो पुत्र? मैं यहां क्यों? और आप ये कैसे कर रही हैं माँ? माँ हूं तुम्हारी, फिर भी तुम्हें मेरी शक्तियों का भान नहीं। और तुम एक ऐसे शत्रु से युद्ध करने जा रहे हो जिसकी शक्तियों का तुम्हें ज्ञान ही नहीं। कैसे योद्धा हो तुम? कौन है तुम्हारा शत्रु? क्या अस्त्र शस्त्र है उसके पास? कितना सामर्थ्यवान है वो? क्या माया का ज्ञान है उसे? उसकी सहयोगियों की संख्या क्या है? इसका ज्ञान भी है तुम्हें? माँ उचित कहती है, मुझे ये सब तो कुछ भी ज्ञात नहीं। जब शत्रु का कोई ज्ञान ही नहीं है तो उसके विरुद्ध रणनीति का निर्माण कैसे करोगे? और रणनीति के बिना रण कैसे करोगे? आप सर्वथा उचित कहती हैं माँ, उसके विषय में सब कुछ ज्ञात करूंगा। मैं शीघ्र किसी को भेजूंगा। किसी को नहीं, भाखन और उसके सहयोगी मयूरन और सिरन को भेजो। भाखन, मयूरन और सेरन का प्रणाम स्वीकार करें। भाखन, भाखन, मयूरन और सेरन का प्रणाम स्वीकार कीजिए। असुर सम्राट, भाखन को भास हो गया है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपके बताए बिना मैं सब समझ गया। अब आप अपनी चिंताएं मुझ पर छोड़ दीजिए। अब जो भी करना है वो मैं करूंगा। मेरे होने वाली पुत्र वधु प्रथम बार कैलाश आ रही। आज मैं प्रथम बार उसे प्रत्यक्ष देखूंगी। माता, माता वो आ रही है। पुत्री, सर्वप्रथम अपना दाहिना पांव बढ़ाओ। ये स्वयं मैंने आपके लिए बनाया भाव। ये नंदी जी अभी क्या कहते कहते रुक गए? प्रणाम माता। पुत्री, आओ पुत्री, तुम्हारा स्वागत है कैलाश में। यहां तुम सुरक्षित हो। माता, पुत्री देवसेना के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? जैसे उनका पूर्व का कोई परिचय हो। आओ। हाँ पुत्री, तुम्हें भूख लगी होगी ना, बैठो।
आप चिंता ना करें, माँ अन्नपूर्णा है। बताओ ना पुत्री, क्या पता है तुम्हें? खीर, हलवा, लड्डू, मोदक, बताओ पुत्री। माता ने इतना कुछ प्रस्तुत कर दिया, किसका चुनाव करूं मैं? माता, कुमार कार्तिकी को तो खीर भाती है ना? हाँ, मेरे विचार से तुम्हें भी खीर बहुत भाएगी, है ना? माता, इस विपत्ति के समय में आपने हमें आश्रय दिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु आपको हमारा इस प्रकार का स्वागत और इतना कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उचित होगा कि पुत्र कार्तिकेय और पुत्री देवसेना के विवाह की चर्चा देवी शची से मैं नहीं अपितु स्वयं देवराज इंद्र ही करें। पुत्री देवसेना आज प्रथम बार कैलाश आई, तो इतना स्वागत तो स्वाभाविक है ना? है ना पुत्री? माता, इनकी सुरक्षा है तो मैं। इनकी सुरक्षा का दायित्व अब मेरा है पुत्र वीरबाहु। अब देवी शची और पुत्री देव सेना की देखरेख मैं स्वयं करूंगी। आप निश्चिंत होकर पुत्र कार्तिकेय के पास लौट सकते हैं। प्रणाम माता। ये तो बहुत शुभ है कि भ्राता की यात्रा श्री केदारनाथ से आरंभ होने जा रही है, क्योंकि अब मुझे माता और पिताश्री की एक पावन कथा सुनाकर उन्हें विवाह के लिए मनाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। वीरबाहु, प्रभु दो असुरी स्त्रियां उनको प्रताड़ित कर रही थी, जिनसे मैंने देवी सची और देवी देव सेना को सुरक्षित कर कैलाश में छोड़ आया। अजित, कैलाश पहुंच के वो निश्चिंत हो गई होंगी। हाँ देवराज, मुझे तो ऐसा लगा जैसे माता पार्वती उनकी प्रतीक्षा में थी और कुमारी देव सेना को देखकर अति प्रसन्न हुई। उन्होंने कुमारी देव सेना का बहुत स्नेह से स्वागत किया। अर्थात माँ अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकी। अब कहीं वीरबाहु भ्राता के सामने पूरी बात ना कह दें, क्योंकि फिर भ्राता विवाह को लेकर सचेत हो जाएंगे। माँ ने कैलाश में प्रवेश के लिए सर्वप्रथम उनका दाहिना पांव आगे बढ़वाया। उन्होंने देवी देव सेना के लिए सभी प्रकार के व्यंजन तैयार किए थे और उनका स्वागत उन्होंने ऐसे किया कि जैसे कि वो उनकी पुत्री हो। माँ ने उनका स्वागत अपनी पुत्री के समान किया होगा, क्योंकि वो प्रथम बार कैलाश जो गई हैं। अनुज गणेश, तुम्हें मैंने यहाँ आने की अनुमति कब दी? भ्राता, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया मैंने, आपके साथ नहीं आपके पीछे पीछे आया हूँ। किंतु क्यों, तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी? भ्राता, केदार धाम तो संसार के महानतम तीर्थ स्थलों में से है, वहाँ आने से क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? तीर्थ करने का अधिकार तो सभी को है। तो अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करो अनुज, किंतु मेरा पीछा नहीं। सेनापति वीरबाहु, आप सेना को यहाँ विश्राम करने का आदेश दें। मैं इस महान तीर्थ स्थली में पूजा किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। भ्राता, सीधे पूजा? हाँ अनुज गणेश, मैं यहाँ पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी पूजा संपन्न करूंगा और शीघ्र ही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अपनी इस यात्रा को पूर्ण करने के पश्चात मुझे पशुपतास्त्र भी प्राप्त करना है और उसके पश्चात उस सुरा पद्म और उसकी सेना को पराजित करके जयंत और अन्य देवताओं को असुरों के आतंक से मुक्त करने का दायित्व भी निभाना है। इसलिए अब तुम हटो मेरे मार्ग से, मुझे पूजा के लिए सामग्री भी एकत्रित करनी है। हाँ हाँ, अवश्य कीजिए भ्राता, किंतु इतनी बड़ी भूल भला आप कैसे कर सकते हैं? भूल? कैसी भूल? आप यहाँ ऐसे ही पूजा कैसे कर सकते हैं? देखो गणेश, मेरा समय व्यर्थ मत करो और शीघ्र बताओ कि मुझसे क्या भूल हो रही है। किसी भी तीर्थ में पूजा करने के पहले उसकी कथाएं सुनकर उसका महत्व और चरित्र दोनों ज्ञात करने चाहिए, तभी वो यात्रा और पूजा सफल होती है। उचित है,
किंतु क्या तुम्हें केदारनाथ धाम के महत्व की कथा ज्ञात है? हाँ भ्राता। तो अब सुना भी दो, शुभ कार्य में इतना विलंब करना उचित नहीं होता। अच्छा, तो सर्वप्रथम हमें आसन ग्रहण करना चाहिए। हाँ मयूरन, मुझे भी लग रहा है कि वो लोग यही थे, लेकिन कहाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। किंतु यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। सारे पदचिन्ह इस हिम के नीचे छुप गए हैं। उसका उपाय है मेरे पास। उनके पद चिन्हों के अनुसार वो केदारनाथ की ओर गए हैं। पावन धाम केदारनाथ और उसकी कथा का संबंध देवराज इंद्र और उन पंच महाअसुरों से है, जिन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक इंद्रलोक पर धावा बोल दिया था। किस संकट की सूचना है? कौन है वो? हिरण्याक्ष, जो अनेकों अस्त्रों का स्वामी था। सुबाहु, जिसकी बाहु वज्र के समान शक्तिशाली थी। वक्त्र कंधर, जो शरीर से वक्र था। त्रिशृंग, जो तीन सिंगों का था। और लोहिताश, जिसका तन लोहे का था। ये तो पंच असुर है। देवगण, अपने अपने अस्त्रों का आवाहन कीजिए। ये पंच असुर, ये तो अजय। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। सबके काल के सामने आने का अवश्य कोई कारण है, और बात रही इन पंच असुरों की, तो इनका काल बनेगी स्वयं महादेव की शक्ति। जब वे करेंगे काल का रूप धारण, तभी पंच असुरों के पराजय का बनेंगे कारण। उससे पूर्व देवराज इंद्र, आपको प्रस्थान करना होगा, मंदाकिनी के तट पर पहुंचना होगा, और वहां पहुंचने के बाद आराधना करनी होगी, तपस्या करनी होगी प्रभु की। और तब तक अन्य देवताओं का क्या दायित्व होगा? रक्षा करनी होगी आपको देवराज इंद्र की और उनके तप की। देवराज इंद्र महादेव की तपस्या करते रहे और कुछ समय उपरांत
उनके तप की तपोशक्ति पिताश्री तक पहुंचने लगी। तब पिताश्री ने वो रूप धारण किया जिसकी कल्पना देवताओं ने भी ना की थी। महेश रूप में केदारयामी अर्थात शीघ्र कहूं इस रूप में मैं किन असुरों का अंत करूं? हिरण्याक्ष, सुबाहु, वक्रकंदर, त्रिशिंग और लोहिताश। अप्सराओं को प्रस्तुत करो। जटाटवी कलज्वला प्रमाह वाविकस्थले कलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका दमन 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 निनाद मट मरवय। लुक जा दोस्त महेश। ओम नमः शिवाय। मेरी शक्तिशाली बाहु तुम्हें थाम लेगी महेश। तुम्हारा इतना दुसाहस। कतन है मेरा, तेरे सिंह भी मुझे क्षतिग्रस्त नहीं कर सकते। ओम नमः शिवाय। दुष्ट महेश, मेरे अस्त्र तुम्हारा अंत करेंगे। हम देवताओं की रक्षा के लिए, असुरों के आतंक से मुक्ति प्रदान करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। अपने निज रूप में दर्शन प्रदान करने की कृपा करें प्रभु। हे प्रभु केदारनाथ, कृपा कर मेरा एक निवेदन स्वीकार करें। जिस प्रकार आपने हमें पंच असुरों से मुक्त किया है, उसी प्रकार जो भी भक्त यहां केदारनाथ आकर आपकी पूजा करेंगे, उन्हें भी अपने संकटों से मुक्ति प्राप्त हो।
तथास्तु। किंतु गणेश, देवराज ने मंदाकिनी के जिस तट पर प्रभु महादेव की आराधना की, उसका नाम केदारनाथ क्यों पड़ा? शिव जब महिष का रूप लेकर इंद्र के सामने प्रकट हुए, तब इंद्र से कहा, के दार यामी, अर्थात बोलो, शीघ्र बोलो, इस रूप में मैं किन किन असुरों को जल में समाप्त कर दूं। इस प्रकार शिव द्वारा इस स्थान का नाम केदारनाथ पड़ा। आज के बाद जो भी भक्त मेरे यहाँ दर्शन करने के उपरांत दोनों हाथों की अंजलि के साथ 3 बार यहाँ के पावन जल का पान करेगा, वो अपने 3 कुलों के पितरों को तार देगा, क्योंकि बाएं हाथ से जल पान कर माता के पक्ष का और दाएं हाथ से पितृ पितामह, और दोनों हाथों से जल पान कर अपना उद्धार करेगा और अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करेगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। अद्भुत। इस प्रकार यहाँ तपस्या और प्रार्थना करने पर प्रभु ने देवराज इंद्र को ही नहीं अपितु संपूर्ण जगत को उनके संकटों से मुक्त होने का उपाय प्रदान किया। तो ये महिमा है इस पावन तीर्थ की। हाँ देव सेनापति कुमार कार्तिक है, उस दिन के बाद मैं यहाँ प्रतिदिवस प्रभु केदारनाथ की पूजा कर और यहाँ के इस जलकुंड से जलपान करने हेतु आया करता हूँ, और मैं ऐसा कलयुग के अंत तक करता रहूंगा। किंतु एक बार जब शीतकाल आया तो मुझे पूरे 4 माह तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। इस जलकुंड का जल हिम जो बन चुका था, मैं अपनी पूजा अधूरी भी नहीं छोड़ सकता था। किंतु यहाँ के न्यूनतम तापमान की शीत का प्रबल प्रभाव मेरे शरीर पर पड़ रहा था, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु ने अपने दर्शन प्रदान करने की कृपा की और मेरा उचित मार्गदर्शन भी किया। मुझे क्षमा करें प्रभु, यहाँ का जल पूर्ण रूप से हिम बन चुका, जिस कारण मैं आपका जल अभिषेक करने में असमर्थ रहा। प्रभु मैं तो यहाँ हूँ, किंतु आपके शेष भक्त तो यहाँ आ भी नहीं पाएंगे। कृपा कर इस समस्या का कोई समाधान प्रदान करें प्रभु। ये 4 माह जब शीत का ऐसा प्रकोप रहेगा और मेरे भक्त मुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे, तो उन्हें मेरे दर्शन प्राप्त करने के लिए हाटकेश्वर में होंगे, जहाँ ऐसा ही एक कुंड होगा और मैं केदार रूप में विराजमान रहूंगा। धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इसलिए प्रभु का यह धाम यदि केदारनाथ कहलाएगा तो हटकेश्वर दूसरे केदार के नाम से प्रतिष्ठित होगा। भ्राता केदारनाथ की कथा से कितने प्रभावित लग रहे हैं, परंतु अभी तो केदारनाथ से जुड़ी माता और पिताश्री की मुख्य कथा सुनाना शेष है। जब भी कोई भक्त पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ ईश्वर का आवाहन करता है, तब प्रभु किसी न किसी रूप में आकर उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। भ्राता, अभी तक तो मैंने आपको केदारनाथ से जुड़ी माता और पिताश्री के अर्ध नारेश्वर रूप की कथा ही नहीं सुनाई, जिसके पीछे है ऋषि भृंगी।